नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 मई दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लालू यादव के करीबियों के घर जांच एजेंसी की छापेमारी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दी नसीहत। विभाग छीने जाने पर मांझी ने नीतीश से कही ये बात। तेज प्रताप को विधायकी रद्द करने के मामले में मिली राहत। अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार को अवैध बताने के लिए हुई एफआईआर पर राउत ने कही ये बात। महाराष्ट्र की सरकार को अवैध बताने और सरकारी अधिकारियों को सरकार के आदेश न मानने वाले सलाह के बाद संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही है। उनके इस बयान के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने को लेकर अब शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। दरअसल आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि नासिक पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने केवल इतना कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है कि यह सरकार अवैध है और अगर सरकार के अधिकारी इस सरकार के आदेश का पालन करेंगे तो यह अवैध होगा और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ट्वीट के जरिए दावा करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र बुरी तरह प्रभावित हुई है और कहा कि इस तरह की निरंकुशता का मुकाबला करना होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दी नसीहत। कर्नाटक जीत को लेकर कांग्रेस के साथ कई अन्य विपक्षी दल भी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब इसी को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार गई थी। आगे उन्होंने अपने जनस्वराज यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें थोड़ी चोट आई है, जिस वजह से वे अपने इस पदयात्रा से लगभग एक महीने दूर रहेंगे। बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अब यह पदयात्रा 15 दिनों के बाद फिर से शुरू की जा सकती है। मांग पूरे नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे सचिन पायलट। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। बीते ही दिनों उनके इस यात्रा का आखिरी दिन रहा। अपने यात्रा के आखिरी दिन उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे काम करने के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी पद पर रहूं या न रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। बता दूं कि सचिन पायलट अपनी यह यात्रा भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले को लेकर कर रहे। उनका कहना है कि यदि उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है तो वे युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर कही ये बात। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी थी। बता दें कि अमेठी नेहरू गांधी परिवार का घर कहा जाता है। बावजूद इसके स्मृति ईरानी ने राहुल को लगभग 55,000 वोटों से हराया था। अब इसी को लेकर रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी ने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि मैं इसके बजाय पुरुष डेवलपर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करूंगी। मुझे अमेठी इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि मैं एक महिला हूं। मुझे अमेठी इसलिए भेजा गया था क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति थी जो राहुल गांधी को हरा सकती है। बता दें कि स्मृति ईरानी का यह बयान इस बात पर आया कि सरकार को महिला रियल एस्टेट डेवलपर्स को त्वरित मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए। विभाग छीने जाने पर मांझी ने नीतीश से कही ये बात। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने नीतीश पर हमला किया है। दरअसल उन्होंने राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन में कहा है कि नीतीश कुमार उनके पार्टी के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आगे उन्होंने कहा कि उनके साथ कमी कर दी गई है जो सही नहीं है। दरअसल मांझी का यह बयान इसलिए सामने आया क्योंकि उनके पास दो विभाग थे, लेकिन अब उनमें से एक विभाग वापस ले लिया गया। मांझी ने अपने उस विभाग को वापस करने की मांग भी की है। आगे उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम जरूर खाई है, लेकिन राजनीति में कोई कसम नहीं होती। मांझी का मानना है कि महागठबंधन में समन्वय समिति होनी चाहिए, कमेटी नहीं होने की वजह से निर्णय गलत हो रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को बताया निर्लज। अभी बीते ही दिनों कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रमुख सफी सादी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए बीजेपी द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस को राज्य में एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। अब बीजेपी के इस बयान का कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार किया है। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब बीजेपी जीतती है तो वह निर्लज हो जाती है, जब वो हारती है तो लज्जित हो जाती है। कर्नाटक में करारी हार पर वो कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, इसके बारे में केवल यही कहा जा सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि नफरत और जहर पैदा करने के कारखाने अति सक्रिय है। कर्नाटक के लोग समझदार है, वे सतर्क रहेंगे और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के बीजेपी के इन शरारतपूर्ण प्रयासों को नाकाम करेंगे।
तेज प्रताप को विधायकी रद्द करने के मामले में मिली राहत। साल 2020 में विजय कुमार यादव द्वारा दायर याचिका मामले में बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दरअसल विजय कुमार यादव ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि तेज प्रताप ने जानबूझकर नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति को लेकर जानकारी छुपाया था। इस मामले को लेकर न्यायाधीश सुनील कुमार पवार एकलपीठ द्वारा सुनवाई हुई, जहां याचिका को वापस ले लिया गया है। बता दें कि तेज प्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह की तरफ से यह भी कहा गया है कि विजय कुमार यादव ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 के तहत तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को मिली राहत। पटना हाईकोर्ट द्वारा मोदी सर ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर लगी रोक अब आगे बढ़ चुकी है। मेरी जानकारी के अनुसार अब इस मामले को लेकर 4 जुलाई 2023 को सुनवाई की जाएगी। साथ ही 4 जुलाई को होने वाले सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर अब राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पर भी अदालत द्वारा राहुल गांधी को राहत दे दी गई है। बता दें कि राहुल गांधी को इससे पहले व्यक्तिगत तौर पर निचली अदालत द्वारा पेश होने का आदेश दिए गए थे, जिसे लेकर राहुल गांधी के अधिवक्ताओं द्वारा यह दलील दिया गया था कि इसी मामले में राहुल को सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है। तो ऐसे में एक ही मामले में दो दो जगह ट्रायल ठीक नहीं है। इस मामले में राहुल की सांसदी भी खत्म हो चुकी है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से उन्हें राहत दिया जाना चाहिए। अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के लिए प्रशासन की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वहां पहले से ही बाबा बागेश्वर धाम की सभा को लेकर हल्ला मचा हुआ था। उनके आने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई, ट्रैफिक इंतजाम भी अच्छा नहीं दिखा। साथ ही साथ धर्म विशेष की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्मावलंबी को रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि ऐसे कार्यक्रम से आतंकवाद खत्म होगा। संत लोगों को ये लोग जेल में डालने की बात करते हैं, इस बात को लेकर चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि दम है तो डाल दो, 50 लाख से अधिक लोग हैं, कितने लोगों के लिए जेल बनवाओगे, सरकार समाप्त हो जाएगी, हल्के में मत लो। भाजपा का बढ़ा कुनबा, पप्पू याद, चिराग और अन्य की पार्टी से शामिल हुए कई नेता। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। जब से सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से बिहार का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया है। भाजपा अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है। अब इसी बीच बीते ही दिनों पटना में एक मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां कई लोग भाजपा के साथ जुड़ते दिखाई दिए, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी से मजबूत उम्मीदवारी पेश करने वाले भी शामिल थे। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि लोजपा से संबंध रखने वाले बांका के अमरपुर विधानसभा के प्रत्याशी मृणाल शेखर थे, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मालूम हो कि इससे पहले भी मृणाल भाजपा में ही थे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के साथ उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हाथ मिला लिया था, जिस वजह से चिराग ने उन्हें अमरपुर का प्रत्याशी चुना था, लेकिन अब उनकी भाजपा में वापसी हो चुकी है। इनके अलावा पप्पू यादव की पार्टी की रानी चौबे और अन्य कई नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। लालू यादव के करीबियों के घर, जांच एजेंसी की छापेमारी। लालू यादव के करीबियों के ठिकाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा छापेमारी की खबर सामने आई है। मेरी जानकारी के अनुसार यह छापा कुल 9 जगहों पर पड़ा है, जिनके ठिकाने बिहार से लेकर दिल्ली तक रहे। बता दें कि यह छापेमारी जमीन के बदले नौकरी मामले में की गई है। साथ ही साथ सीबीआई के सर्चिंग का काम राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव, किरण देवी और उनके पति के ठिकानों पर भी चल रहा है। इससे पहले भी लालू यादव के करीबियों के यहाँ कुल 15 ठिकानों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी देखने को मिली थी। छापेमारी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मुंबई जैसे जगहों पर की गई थी। पहलवानों ने जांच कमेटी पर लगाया आरोप। 7 महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण को लेकर एफआईआर दर्ज करवाया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर जांच जारी है। इस मामले पर ओवरसाइट कमेटी भी खेल मंत्रालय द्वारा बनी थी। इस कमेटी के सामने पहलवानों द्वारा अपना अपना बयान रखा गया था। जिन महिलाओं ने कमेटी के सामने अपना बयान रखा है, उन्होंने अब बस उस कमेटी पर आरोप लगा है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर जांच के दौरान दबाव डाला गया था, उनसे यह कहा गया था कि उन्हें गलतफहमी हुई है। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पहलवानों द्वारा यह भी बताया गया कि जांच के दौरान उन्हें ब्रजभूषण को पिता तुल्य कहा गया है। बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर MC मैरीकॉम कर रही थी, जहाँ बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त भी इस कमेटी के हिस्सा थे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने सुशील मोदी को लेकर कही ये बात। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की शर्मनाक हार से सुशील कुमार मोदी जी के दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, तभी वो कर्नाटक के करारी हार की हताशा में बेफुजीली का बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश से यह स्पष्ट जाहिर हो गया है कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनके पाप का घड़ा चारों तरफ से दरकने लगा है। साथ ही लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा खाने चित हो जाएगी।
सम्राट चौधरी ने जदयू के मटन पार्टी को लेकर कही ये बात। अभी हाल में ही जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने मटन पार्टी का आयोजन किया था, जहां जमकर हंगामा देखने को मिला। भोज में सम्मिलित लोग आपस में ही भिड़ गए। अब इस मटन पार्टी को लेकर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने जदयू पर हमला बोलते हुए कहा है कि जदयू एक अनोखी पार्टी है जो चावल, मटन और शराब सार्वजनिक रूप से बांट रही है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली क्या बात होगी कि वो वोट लेने के लिए कोई पार्टी इतने निचले स्तर पर पहुंच जाए। साथ ही नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ऐसी व्यवस्था की गई है। कर्नाटक सीएम फेस के लिए कांग्रेस सोच समझकर बढ़ा रही कदम। कर्नाटक में कांग्रेस के जीत के बाद वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला अभी तक कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान आज किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री को लेकर दो चेहरे सामने आ रहे थे, जिनमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया शामिल थे। यह खबर भी सामने आई है कि दिल्ली में कल से ही सिद्धारमैया पहुंचे हुए हैं। उनके पास करीब 90 विधायक हैं। इस बात के उन्होंने संकेत भी दिए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दिल्ली में कर्नाटक के जाने माने नेता सिद्धारमैया के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में यदि सिद्धारमैया का नाम सामने आता है तो डीके शिवकुमार पार्टी से नाराज हो सकते हैं, जो कि कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पार्टी में इस बात का डर भी बना हुआ है कि कहीं राजस्थान की तरह डीके शिवकुमार दूसरे पायलट न बन जाए। इसलिए खबर है कि कर्नाटक सीएम फेस के लिए कांग्रेस फूक फूक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुरुचि कुमारी, सदरे आलम, बाबूलाल मरांडी, राजेश अय्यर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ बैठी जांच कमेटी पर जो आरोप लगाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।